नमस्कार दोस्तों पात फाइंडर के मिडिवल इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे डू फॉलो मी ऑन अनकेडमी ऐप एज वेल क्योंकि वहाँ पर अभी मैं मिडिवल हिस्ट्री के एम को करवा रहा हूँ उन क्लासेस को मिस मत कीजिए नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन संडे दिल्ली सल्तनत में टोटल 320 ट्वेंटी ईयर्स का जो रूल है उसमें स्लेव डायनेस्टी 84 फोर ईयर्स तक रूल करती है इसको हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था आज हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे टाइम पीरियड के अनुसार आप देखोगे तो इसका शासन सबसे कम समय के लिए था केवल 30 साल तक खिलजी डायनेस्टी रूल करती है फ्रॉम ट्वेल्व टू थर्टीन लेकिन इस तीस साल में भी ये सबसे ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी बन जाती है सल्तनत टाइम पीरियड में मैक्सिमम एक्सपांशन खिलजीज ने किया था एंड अलाउद्दीन खिलजी बिकम्स द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ एंटायर थ्री पीरियड वैसे तुगलक्स के टाइम पे भी एक्सपांशन था किंगडम बड़ा था लेकिन तुगलक्स के खत्म होते होते एम्पायर ऑलमोस्ट वापस नॉर्थ इंडिया में आ चुका था दक्षिण भारत में जितनी भी एरियाज इन्होंने जीते थे ये सब तुगलक ने गवा दिए बाय द टाइम दर रूल एंडेड अराउंड 1397 में बताऊंगा क्यों तो खिलजी डायनेस्टी ने काफ़ी एक्सपांशन किया और रूल को स्टेबल किया यहाँ पर और इसी में अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा रोल है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे लेकिन अब आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सभी सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन को अवेल करके देश के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ सकते हैं तो वो सभी टीचर्स जिनसे पढ़ने के लिए आप कभी ना कभी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की बात सोचते थे दे आर ऑल टीचिंग ऑन अन अकेडमी नाउ और यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपको परफॉर्मेंस सुधारने में आपकी मदद करेंगे यू तैयारी में अब प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं दोनों में आपको क्लासेस टेस्ट सीरीज ये सब कुछ मिल रहा है आइकॉनिक में यू विल गेट मेंटोरशिप ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट है मेंटोरशिप यानी कि वन ऑन वन पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड किया जाएगा यह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एक बेनिफिट है जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें टेन परसेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो और सब्सक्रिप्शन में कई सारे ऑप्शन हैं वन टाइम पेमेंट है देन देर इज अ स्मॉल फी ऑफ एवरी मंथ हर महीने आप एक छोटा सा अमाउंट पे करके भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और सारे कोर्सेज ई पर आप अवेल कर सकते हैं हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं इन बैचेस को आप ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट है अगर आपको कोर्स कोड ऑफर्स डिस्काउंट कितना मिल रहा है बेस्ट डिस्काउंट कौन सा होगा तो इस नंबर पे कॉल करो ये नंबर पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी ये मेरी टीम का फ़ोन नंबर है सेवन अब आ जाते हैं खिलजी डायनेस्टी पर तो पिछले लेक्चर के अंत में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से स्लेव डायनेस्टी के एंड में बहुत ही कमजोर रूलर गद्दी पर थे और इसी का फायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली नाउ जलालुद्दीन खिलजी वाज वेरी ओल्ड ही वाज अ गवर्नर सत्तर साल की उम्र थी जलालुद्दीन खिलजी की अप्रॉक्सिमेटली ट्वेल्व के आसपास और जलालुद्दीन खिलजी खुद स्लेव डायनेस्टी के उस बच्चे रूलर के गार्जियन के रूप में दिल्ली बुलाए गए थे इन्हें बोला गया था कि आप दिल्ली आ जाओ वरना इस बच्चे को कोई मार देगा एंड अल्टीमेटली जलालुद्दीन खिलजी के आने के बाद भी वो बच्चा मार दिया गया कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने मरवाया कोई कहता है किसी और दरबारी ने मरवा दिया जो भी हुआ हो खिलजी के हाथ में पावर आ जाती है अब खिलजी इसकी अलग बात ये थी कि ये तुर्को अफगान्स थे यानी कि ये पूरी तरह से तुर्क नहीं थे इनमें अफगान और तुर्क दोनों डिसेंट इनका था कई हिस्टोरियंस इन्हें प्योरली अफगान्स कहते हैं बट ज़्यादातर हिस्टोरियंस तुर्को अफगान कहते हैं जो भी हो ये तुर्क से थोड़ा अलग थे स्लेव्स डायनेस्टी वाले जो मामलूक्स थे उनसे ये काफ़ी अलग हैं और इनकी सरनेम या फिर इनकी जो ट्राइब है वो थी सेल्जुक तुर्क से रिलेटेड थे ठीक है तो सेल्जुक तुर्क और दूसरा जो इनकी अफगानिस्तान में ट्राइब थी उसे घलजी या खिलजी ट्राइब कहा जाता था ये जी एच वाली स्पेलिंग भी कई बार यूज होती है तो घलजी या खिलजी ट्राइब से ये रिलेटेड थे और इनका गद्दी पर आना एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि ये इतने हाई लेवल के नोबल्स या दरबारी नहीं थे इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी का गद्दी पर बैठना कई बार खिलजी रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक तरह का रेवोल्यूशन ही था कि इतने बड़े बड़े दरबारियों में इतने इंपॉर्टेंट नोबल्स में जलालुद्दीन खिलजी जो कि एक लो लेवल का नोबल है वो व्यक्ति सत्ता अपने हाथ में ले लेता है तो इसे इसीलिए खिलजी रेवोल्यूशन कहा जाता है ये नाम बस याद में रख लेना कभी पूछ ले और आप सोचो ये कौन सा रेवोल्यूशन है फ्रेंच सुना है अमेरिकन रेवोल्यूशन सुना है ये कौन सा रेवोल्यूशन आ गया तो बस ये कुछ नहीं है जलालुद्दीन खिलजी का अपने हाथ में कंट्रोल लेना है अब होता यह कि तुर्किक नोबल्स के हाथ से मोनोपोली सारी चली गई अब अफगान नोबल्स के हाथ में भी पावर है और जलालुद्दीन खिलजी से कई लोग शुरुआत में खुश नहीं थे क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने आते ही तुर्किक नोबल्स को साइडलाइन करना शुरू कर दिया और अपने ट्राइब के अफगान नोबल्स को बड़ी बड़ी पोजिशंस पर बिठा दिया अफकोर्स उसे अपना रूल स्टेबल करना है तो वो अपने ही लोगों को आसपास बिठाएगा तो जनवरी बारह में सत्तर साल की उम्र में एक बूढ़ा सुल्तान बनते हैं जलालुद्दीन खिलजी ही वॉज ऑलमोस्ट सेवेंटी ईयर ओल्ड विच इज क्वाइट एन ओल्ड एज तो ये पता था कि कुछ साल का शासन है उसके बाद या तो बेटे या फिर और ही परिवार में से किसी और को सुल्तान बनाया जाएगा तो अगला सुल्तान कौन बनता है ट्वेल्व नाइन्टी सिक्स में अलाउद्दीन खिलजी लेकिन इन्होंने जलालुद्दीन के मरने का वेट नहीं किया ही किल्ड जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन मर्डर्ड जलालुद्दीन खिलजी और फिर गद्दी पर बैठ गया अब कई बार अगर क्वेश्चन टफ़ करना होता है या आप लोगों को बिना बात के कंफ्यूज करना होता है तो एग्जामिनर इनके ओरिजिनल नाम यूज़ कर लेते हैं जैसे जलालुद्दीन का ओरिजिनल नाम शाइस्ता खान या फिर पर्सनल नाम मलिक फिरोज़ भी था अलाउद्दीन का बचपन का नाम था अली गुरशास्प तो अली गुरशास्प वॉज इज़ बर्थ नेम लेकिन अब वो जो भी सुल्तान या बादशाह बनता है तो वो एक बड़ा सा अच्छा सा टाइटल ले, ले लेता है तो ये इस तरह के टाइटल लिए जाते हैं अलाउद्दीन और खिलजी ऑफकोर्स सरनेम था तो अलाउद्दीन खिलजी नाम हो गया तो कभी कभी कंफ्यूजन के लिए आपको अली गुरशास्प जैसा नाम इस्तेमाल करके दे दिया जाएगा स्टेट पीसीएस वाले ज्यादा करते हैं यूपीएससी इतना नहीं करता है बट हाँ स्टेट पीसीएस को बड़ा मजा आता है इस तरह से इनके अलग अलग नाम देकर पूछने में एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ घोरी का नाम क्या था मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में तो हम तो सीधा सीधा बस मोहम्मद घोरी याद कर लेते हैं तो मोहम्मद घोरी के साथ साथ उसका जो ओरिजिनल नाम है वो भी आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में दो नंबर उसके जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा प्रीलिम्स के अंदर तो इस तरह के ओरिजिनल नाम जितना याद रख सकते हो रख लो अब इस डायनेस्टी में केवल ये दो ही रूलर्स हैं जिनके नाम और कुछ बातें आपको याद रखनी है ये दोनों कोई काम के नहीं है ये कुछ समय के लिए गद्दी पर थे कमजोर शासक थे और लोकल इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण अल्टीमेटली इनके हाथ से सत्ता 1320 में चली जाती है सो जलालुद्दीन एंड अलाउद्दीन आर द ओनली टू इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी अब जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी संभालते हैं तब उस समय ये इंडस नदी वाला एरिया और गंगा नदी वाला एरिया बस इतने ही एरिया में इनका किंगडम या साम्राज्य फैला हुआ था इट डिड नॉट कंट्रोल द सल्तनत डिड नॉट कंट्रोल इवन द एंटायर नॉर्थ इंडिया खास करके राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात यहाँ के राजपूत रूलर से इन्हें बहुत ज़बरदस्त चैलेंज था और ये राजा इनको रूल आगे बढ़ाने नहीं दे रहे थे यहाँ बंगाल में भी इनको रेजिस्टेंस मिल रहा था तो बेसिकली इनका रूल आज के उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा एंड टूडेज पाकिस्तान ये वाला एरिया जो है केवल यहाँ तक सीमित था तो जलालुद्दीन खिलजी को गद्दी पर बैठते ही समझ में आ गया कि मुझे ये रूल एक्सपांड भी करना होगा और इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बहुत थी खिलजी को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जैसा मैंने आपको बताया कि ये इतने उच्च कोटि के या उच्च स्तर के नोबल्स नहीं थे तो कई सारे लोग इनको पीठ पीछे या कई बार मुंह के सामने भी बोल देते थे कि तुम कहाँ से सुल्तान बन गए तुम तो सुल्तान बनने लायक ही नहीं हो तो जलालुद्दीन ने ऐसे सब लोगों का मुँह चुप करवाया पहले तो बहुत सारी बगावतें हुई उन बगावतों को शांत किया गया तो छः साल के रूल में शांति नहीं मिली इस व्यक्ति को ही हैड टू फेस अ लॉर्ड ऑफ रेबेलियंस uh, कई लोगों ने बगावत कर दी बलबन का एक भतीजा था जो गवर्नर बना हुआ था उसने भी बगावत कर दी थी फिर मामलुक डायनेस्टी के जो वफादार नोबल्स थे वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते रहते थे तो उन्हें भी शांत करवाया जा करवाया गया ओके देन जलालुद्दीन सप्रेस द रिवोल्ट एंड एग्जीक्यूटेड सम ऑफ इस कमांडर्स अपने खुद के कई कमांडर्स को इसने मौत के घाट उतारा फिर रणथम्बोर पर हमला किया लेकिन वहां पर ये हार जाते हैं मंगोल्स का अटैक भी चल रहा है तो मंगोल्स को यहाँ पर हरा जीत जीतते नहीं है लेकिन मंगोल्स को दिल्ली तक नहीं आने देते ये एक बहुत अच्छा इनका अचीवमेंट था कि मंगोल्स से दिल्ली को बचा कर रखा और यहाँ पर मेन लड़ाई जो है इनके एक बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडर थे जूना खान इनका नाम था जूना खान अ लॉर्ड ऑफ वॉर्स फॉर जलालुद्दीन तो जूना खान ने ये लड़ाई जीती थी और सिंध नदी के आगे बढ़ने नहीं दिया मंगोल्स को लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की अल्टीमेटली हत्या कर दी गई उसके अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सो अलाउद्दीन वॉज इज़ ब्रदर्स सन यानी कि उसके भाई का बेटा है और साथ ही में उसकी बेटी की शादी भी अलाउद्दीन खिलजी से हो रखी थी तो दैट्स वाई ही वॉज इवन द सन इन लॉ अब अलाउद्दीन को मिलिट्री कमांडर बना रखा था ऑफ कोर्स घर परिवार के लोगों को सबको मिलिट्री कमांडर बना रखा है जूना खान है अली गुरशास्प है देवेर ऑल इंपॉर्टेंट कमांडर्स लेकिन अलाउद्दीन के सपने थोड़े बड़े थे इसको बनना था सिकंदरे सानी ही वॉन्टेड टू बिकम द सेकेंड सिकंदर ऑफ द वर्ल्ड तो अलाउद्दीन को इंतज़ार नहीं हुआ कि ये सेवेंटी सिक्स साल के मेरे ये ससुर जी जो हैं ये मर क्यों नहीं रहे तो अल्टीमेटली इस अलाउद्दीन ने एक प्लान बनाया कि देवगिरी पर हमला करते हैं देवगिरी इज इन महाराष्ट्र वहाँ पर हमला किया जाए वहाँ हमला कर कर बहुत बड़ा खजाना लूट कर लाया अलाउद्दीन खिलजी और उसको खजाने को स्वीकार करने के लिए जलालुद्दीन को दिल्ली से बुलाया गया तो दिल्ली से कारा नाम की जगह है कारा इज़ नियर अलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश टुडे तो कारा के किले पर बुलाया जाता है जलालुद्दीन को कि आइए और बहुत सारा खजाना है इसको आप देखिए स्वीकार कीजिए और यहाँ पर जलालुद्दीन की हत्या कर दी जाती है बाय अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही हत्या करी जाती है उसके बाद अलाउद्दीन अलाउद्दीन तुरंत दिल्ली जाकर गद्दी को संभालता है वहाँ पर उसके बेटों ने बगावत कर दी जलालुद्दीन के जो बेटे थे मुल्तान में वो बोलते थे अरे भाई तुम कहाँ से राजा बन गए तुम्हें किसने सुल्तान बना दिया हम तो पापा की गद्दी संभालेंगे तो इसने उनके साथ लड़ाई लड़कर उन्हें भी शांत करवा दिया तो अलाउद्दीन खिलजी का रूल 1296 में शुरू होता है 1316 में खत्म हो जाता है 20 साल का शासनकाल है ही इज द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड 300 सालों के इतिहास में सबसे ताकतवर दिल्ली का अगर कोई सुल्तान रहा तो वो अलाउद्दीन खिलजी मेनली बिकॉज ऑफ इस मिलिट्री पावर तो मिलिट्री पावर कैसे बढ़ी अचानक से रातों रात ऐसा क्या हो गया कि इनकी आर्मी शक्तिशाली हो गई और बलबन की नहीं थी तो देखो अलाउद्दीन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए आते ही अलाउद्दीन ने आर्मी के अंदर बड़े बड़े रिफॉर्म्स शुरू किए सबसे इंपॉर्टेंट था स्टैंडिंग आर्मी को इकट्ठा करना स्टैंडिंग आर्मी का क्या मतलब होता है पहले ये सिस्टम था कि इक्तेदारों को मैसेज भेजा जाता था कि आप अपनी आर्मी भेजिए वो प्रोसेस तीन चार पांच महीने ले लेता ले था मान लीजिए आपको मालवा पर हमला करना है तो मालवा पे हमला करने के लिए छह महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी तब जाके आप अटैक कर पाओगे मालवा पर और ट्रैवल टाइम वगैरह सब अलग है अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं मुझे दिल्ली में आर्मी चाहिए हमेशा एक लाख सैनिक मिनिमम दिल्ली में मेरे पास होने चाहिए उनकी सैलरी वगैरह मैं दूंगा तो इतनी बड़ी आर्मी हर कोई रख नहीं पाता था क्योंकि पैसा लगता है खाना देना पड़ता है उन्हें सैलरी देनी पड़ती है अगर आप परमानेंटली रख रहे हैं तो इत्यदारों को क्या अपने अपने एरिया में रखते थे वहां से जब जरूरत पड़ी तब सेना भेज दी अलाउद्दीन ने इसको चेंज कर दिया उसने कहा देखो मेरे प्लान्स बहुत अलग हैं मेरे पास छः छः महीने का समय नहीं है मैं तो छः महीने में तीन चार लड़ाइयाँ लड़ने का प्लान कर रहा हूँ सो आई नीड अ स्टैंडिंग आर्मी सो ही प्रिपेयर्ड वन फॉर हिमसेल्फ फिर सोल्जर्स को पैसे कैश में दिए जाने लगे पहले इनको कई बार रेवेन्यू के रूप में गांव वगैरह दे दिए जाते थे इकतेदारी दे दी जाती थी लेकिन अब मिलिट्री कमांडर्स और सैनिकों को डायरेक्टली कैश पेमेंट होगा तो आप आओ यहां पर तनख्वाह पाओ सीधी और लड़ाई पर चलो फिर घोड़े जो हैं इन पर दाग दिया जाने लगा तो घोड़ों कि चोरी वोरी ना हो जाए इधर उधर सैनिक लेकर ना भाग जाएँ इसलिए अपने घोड़ों को प्रॉपरली मार्क किया गया दाग कुछ नहीं होता है एक निशानी दे दी जाती है घोड़े को कि ये आर्मी का घोड़ा है आप में से जो रूरल एरियाज़ में है वो समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है क्योंकि आज भी कई लोग अपने पशुधन को कुछ ना कुछ निशानी दे देते हैं या तो किसी के कान में कुछ टैग लगा दिया जाता है आजकल तो खैर गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स आ गई हैं आइडेंटिफिकेशन टैग्स की बट उसके अलावा भी किसान खुद अपने जानवर को पहचानने के लिए उस पर अलग अलग डिज़ाइन का एक टैटू सा मार्क कर देते हैं वो दाग देना ही कहते हैं उसे फिर सोल्जर्स का भी रिकॉर्ड रखा जाने लगा तो ये उनका हुलिया है तो जैसे आज हम कहते हैं हुलिया शक्ल कैसी है तो वो रिकॉर्ड रखा जाने लगा तो हर सोल्जर अगर कोई युद्ध में मारा जाता है कोई नुकसान हो जाता है किसी का तो प्रॉपर एक रिकॉर्ड रहेगा तो आर्मी के ये कई सारे रिफॉर्म्स थे जिसने इसको एक अच्छी स्टैंडिंग आर्मी दे दी बगावतों से बचने के लिए अलाउद्दीन ने आते ही अपना पावर शो करना शुरू किया जो भी नोबल जो भी दरबारी हल्का सा भी सुल्तान के खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश करता था या शुरुआत करता था उसे तुरंत जेल में डाल दिया उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली उसके बीवी बच्चों को लिटरली महलों से उठाकर सड़क पर ला देता था अलाउद्दीन खिलजी इससे दूसरे दरबारी कभी भी उसके खिलाफ बगावत करने की नहीं सोचते थे सो ही ब्रॉट फोर ऑर्डिनेसिस टू स्ट्रेंथन इज रूल एंड क्वेल रेबेलियंस ये काफी आ, मतलब कारगर तरीका सिद्ध हुआ जैसे ही उसने किया उसके बाद कोई बगावत नहीं होती है इसने एक इंटेलिजेंस सिस्टम अपना स्टार्ट किया तो इंटेलिजेंस सिस्टम्स में कई बार बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया तो अलाउद्दीन खिलजी का ये जो सीक्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम था काफ़ी अच्छा था इससे पूरे शहर की और किंगडम की इनको जानकारियाँ भी मिल जाती थी ड्रग्स और एल्कोहल की सेल पूरी तरह बैन कर दी गई तो चाहे वो फिल्मों में कुछ भी दिखाया हो नाच गाना पार्टी चल रही है अलाउद्दीन खिलजी वॉज नॉट अ पार्टी एनिमल उसने एल्कोहल को बैन कर दिया था उसने कहा कि मेरे सैनिक ना तो एल्कोहल लेंगे ना ड्रग्स लेंगे और दरबार में ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा कंप्लीटली स्टॉप कर दिया जाएगा कोई सोशल गैदरिंग कोई फेस्टिविटीज़ नहीं होगी क्योंकि उसे पता था कि देखो ये सोशल गैदरिंग बहाना होता है ये सारे नोबल्स क्या करते थे बोलते थे अरे शादी है बेटे की शादी बेटी की शादी उसको बुला लिया इसको बुला लिया सब इंपॉर्टेंट लोग इकट्ठा होकर ये बादशाह के खिलाफ या सुल्तान के खिलाफ ही साजिशें रचते थे तो इसको पता था ये सब होता है तो इसीलिए उसने कहा मेरी परमिशन के बिना ना तो कोई तुम फेस्टिविटी सेलिब्रेट करोगे ना कोई बड़ी सोशल गैदरिंग करोगे बच्चों की शादी करनी है पहले मुझसे परमिशन लो गेस्ट लिस्ट मुझे दिखाओ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है पता चला उसके मुल्तान के गवर्नर को कारा के गवर्नर को बुलाकर तुम मुझे ही मारने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये सब मैं

तो ये नॉर्थ इंडिया के कैंपेन में आपको बता रहा हूं साउथ इंडिया के कैंपेन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे तो मिलिट्री कैंपेन्स में उत्तर भारत में सबसे पहले गुजरात पर हमला किया गया बारह में गुजरात पर हमला जो है उस उसी हमले में मलिक कफूर यहां पर इनको मिलता है मलिक कफूर वॉज अ स्लेव ही वॉज अ यूनक ठीक है यूनक स्लेव था हजार दिनारी इसका नाम था क्योंकि हजार दिनार में इसे खरीदा गया था और ये गुजरात कैंपेन में खरीदा था बाय द वे इन सारे कैंपेन्स को अभी मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा थर्टीन जीरो वन रणथंबोर पर हमला हमीर देव चौहान यहाँ पर रूलर थे चहमान डायनेस्टी के देन थर्टीन जीरो थ्री में मेवाड़ पर हमला चित्तौड़ वॉज द कैपिटल राणा रतन सिंह वॉज द रूलर और यहीं पर वो फेमस जौहर हुआ था रानी पद्मिनी का और इसकी भी कहानी आगे आपको बताऊंगा कि वो कितनी सच है कितनी है अभी इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा आने वाले दस मिनट में और इसी चित्तौड़ के हमले को डिस्क्राइब करते हुए लगभग ढाई साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी नाम के कवि ने एक किताब लिखी पद्मावत ये सिक्सटीन सेंचुरी में लिखी गई थी लगभग 240-235 साल बाद लिखी गई थी आफ्टर दी एक्चुअल इवेंट्स 1305 में मालवा पर हमला परमार डायनेस्टी को यहाँ पर हराया गया 1311 में वेस्टर्न राजस्थान में भी एक चहमान डायनेस्टी थी सिवाना जालोर नाम के दो इंपॉर्टेंट शहर हैं तो यहाँ पर जालोर का जो किला है उस पर भी बहुत लंबे समय तक सीज हुई और यहाँ पर भी लोकल रूलर लिख लेना नाम कान्हड़ देव चौहान तो कान्हड़ के ए एन एच ए डी कान्हट देव चौहान रूलर को हराया गया तो चौहान और चैमान एक ही है लिखने का बोलने का थोड़ा सा फर्क है तो ये सारे इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडिया के अटैक्स हैं अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कैंपेन्स इन हमलों के अलावा अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में सबसे सफल योगदान ये रहा कि मंगोल्स के हमलों से दिल्ली को बचाए रखा अलाउद्दीन ने तो देखिए दो मंगोल्स बड़े किंगडम है चगताई खानेट और यहाँ पर्शिया में इल ये दोनों दिल्ली सल्तनत पर लगातार हमले कर रहे थे और बहुत हमले हुए मल्टीपल टाइम अटैक हुआ और हर बार दिल्ली सल्तनत की आर्मीज ने मंगोल्स को रोक लिया कुछ बार हारे भी थे लेकिन ज्यादातर बार इन्होंने दिल्ली में अंदर घुसने से मंगोल्स को रोक लिया मेनी टाइम्स दिल्ली तक मंगोल की आर्मी पहुंच गई थी पहले इंडस नदी तक पहुंच रही थी लेकिन अलाउद्दीन के टाइम तक क्या होता है कि कई बार मंगोल बड़ी बड़ी आर्मीज लेकर दिल्ली तक पहुंच जाते हैं लेकिन दिल्ली के वहां पर अलाउद्दीन ने उनको रोक लिया अब इसी मैप में आप देखिए सेंट्रल इंडिया में क्या हो रहा है तो देखिए यहां पर राजस्थान में कई सारे किंगडम्स थे जिनमें से सबसे प्रमुख थे रणथम्बोर का किंगडम विच इज समवेयर ओवर हियर मेवाड़ इज हियर यहाँ पर गुजरात में भी रूलर्स हैं परमार रूलर्स यहाँ इंदौर इंदौर मालवा वाला जो एरिया है मांडू वहाँ से रूल कर रहे हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में यादव देवगिरी वारांगल काकतिया यहाँ द्वार समुद्र से हौसला रूल कर रहे हैं यहाँ पांड्या इन तमिलनाडु इन सभी किंगडम्स पर अब धीरे धीरे हमला होगा तो ये अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी मिलिट्री कैंपेन है ये इन हर किंगडम में जाएंगे तो मालवा गुजरात देवगीर में राजपूत डायनेस्टीज़ थी और ये सभी अच्छे से चल रही थी तुर्की के रूल एस्टैब्लिश हो गया था दिल्ली में लेकिन याद करो इलतुतमिश भी गुजरात को नहीं जीत पाया था मालवा वाले एरिया को नहीं जीत पाए थे सो दे कुड नॉट कंप्लीटली रूल ओवर राजस्थान एंड गुजरात तो अब 25 साल के अंदर अंदर अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने गुजरात और मालवा को जीत लिया ये बहुत बड़ी जीत थी गुजरात और मालवा को कंट्रोल करना दिल्ली सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जैसे ही इनके कंट्रोल में आते हैं उसी के बीच में राजस्थान के सारे जो राजा हैं उनको भी लगभग हरा दिया गया और अपने कंट्रोल में लाया गया सो so, गुजरात मालवा एंड राजस्थान ये तीन बहुत बड़ी जीत थी आप यहाँ पर देखो ये वाला जो एरिया अभी कलर्ड नहीं है खिलजी डायनेस्टी के टाइम में ये पूरा कलर हो जाता है तो खिलजी डायनेस्टी का स्टेबल रूल आ जाता है क्योंकि गुजरात से लेकर बंगाल तक अब इनका पूरी तरह से शासन है और यहाँ पर अफगानिस्तान वाले एरिया तक भी शासन एक्सटेंड कर रहा है ये एक्सपांशन का सिलसिला तुगलक्स के समय अपने चरम पर पहुंच गया था मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मीज यहाँ पर दक्षिण भारत तक रूल कर रही थी लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होते ही धीरे धीरे ये सारे दक्षिण भारत से इनका कंट्रोल हट जाता है और लोधी डायनेस्टी तो बहुत ही छोटे एरिया पर रूल कर रही है तो आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली के सुल्तान का मैक्सिमम रूल एरिया वाइज तुगलक डायनेस्टी में था लेकिन सबसे ज्यादा अटैक्स और बढ़ाने का श्रेय जो है वो खिलजी डायनेस्टी को जाता है बट इट रीच्ड इट्स पीक अंडर मोहम्मद बिन तुगलक एरिया वाइज एक्सपांशन अब गुजरात और मालवा इतने इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए गुजरात और मालवा ज्योग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल एरिया है आबादी अच्छी है वेस्टर्न सी पोर्ट से आप कनेक्शन पा सकते हैं दिल्ली सल्तनत अगर यहाँ पर समुद्र से कट ऑफ है तो वो अरेबिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते ठीक है तो ट्रेड पूरा ब्लॉक हो जाता है वो यहाँ से ट्रेड नहीं होता अगर आप सोच रहे हो बंगाल से ट्रेड हो जाएगा लेकिन यहाँ पर इतने अच्छे पोर्ट्स नहीं है ज़्यादातर जो ट्रेडिंग पोर्ट्स है वो यहाँ पर स्थित हैं गुजरात वाले एरिया में तो यहाँ से ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है और ट्रेड करना क्यों जरूरी है क्योंकि अरेबिया से घोड़े आ रहे हैं और उन घोड़ों के माध्यम से आर्मीज चल रही हैं क्योंकि अब ये सेंट्रल एशिया से कट ऑफ है सेंट्रल एशिया में मंगोल्स रूल कर रहे हैं तो तुर्क अपने होमलैंड को खो चुके हैं मंगोल्स कंट्रोल कर रहे हैं उनके पुराने होमलैंड को तो अब तुर्क्स के पास घोड़े नहीं है सेंट्रल एशिया से लाने के लिए तो इन्हें अरेबिया से घोड़े मंगवाने पड़ रहे हैं वेस्टर्न सी पोर्ट्स के माध्यम से और ऑफ कोर्स फर्टाइल एरिया है बहुत अच्छा एरिया है गुजरात मालवा इसमें आज भी आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चलता है और ये ट्रेड रूट के लिए इंपॉर्टेंट है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए तो इन्हीं सभी कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात और मालवा पर हमला किया गुजरात अपनी जब आर्मी भेजी थी जूना खान वॉज वन ऑफ द आर्मी जनरल तो जूना खान ने रस्ते में जैसलमेर पर भी हमला किया था और जैसलमेर में भी एक शाखा और जौहर हुआ था तो जैसे आप सभी को पता होगा चित्तौड़ के जौहर के बारे में लेकिन जैसलमेर में भी एक शाखा और जौहर होता है जैसलमेर को इन्होंने बहुत बुरी तरह से मतलब रेड किया था यहाँ पर बहुत तबाही मचाई थी लेकिन उसके बाद कंट्रोल अभी भी जैसलमेर की डायनेस्टी का रहता है बिकॉज इनका टारगेट गुजरात था तो ये यहाँ पर अटैक करके जैसलमेर से आगे बढ़ गए देखो ट्रेडिशनली दिल्ली से अगर गुजरात पर हमला करना है तो रास्ता कौन सा है ये वाला रास्ता है ठीक है आप इस रास्ते से जाओगे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है लेकिन इसमें बीच में क्या आ रहा है मेवाड़ और मेवाड़ इनके कंट्रोल में नहीं था रणथम्बोर यहाँ कहीं आता है वो भी इनके कंट्रोल में नहीं था इसीलिए ये घूम फिर के रेगिस्तान से जाते हैं ताकि गुजरात को पता भी पता भी ना चले कि हम आ रहे हैं हमला करने के लिए और इसी रास्ते में बीच में जैसलमेर है तो जैसलमेर को बीच में अटैक किया गया अल्टीमेटली जैसलमेर को हराने के बाद ये आर्मीज जो हैं पहुंचती हैं गुजरात और गुजरात में जो लोकल रूलर है रायकरण उनको पता ही नहीं था कि ये अटैक होने वाला है सो ही वॉज टेकन बाय सरप्राइज़ और ये बिना लड़े यहाँ से भाग जाते हैं और यादव्स के पास पहुंच जाते हैं तो महाराष्ट्र में यहाँ जो यादव्स रूल कर रहे हैं देवगिरी से इनके पास जाकर कहते हैं सर प्लीज सपोर्ट दीजिए ठीक है तो अब आगे फिर से ये आपको बताऊंगा कि क्यों रेलेवेंट है और यहाँ पर जो कैपिटल था अनिलवाड़ा जिसको आज पाटन के नाम से जाना जाता है इस पर अटैक किया गया सोमनाथ मंदिर को लूटा गया सोमनाथ मंदिर पर मल्टीपल अटैक्स हुए उनमें से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था सो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने भी सोमनाथ मंदिर को पूरा डिस्ट्रॉय किया उसको तोड़ा गया और एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं कर रही थी यहां पर मुस्लिम मर्चेंट्स को भी लूटा गया और उन्हें भी कईयों को मारा गया क्योंकि गुजरात में ऑलरेडी कई मुस्लिम मर्चेंट्स रह रहे थे ये व्यापारी थे कई अरेबिया से आकर बस गए थे कई सारे सल्तनत टाइम पीरियड में आकर धीरे धीरे यहाँ सेटल हो गए थे तो ये जो कैम्बे वाला एरिया है यहाँ पर खम्बात जिसके पीछे हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात तो यहाँ पर एक शहर है इसी गल्फ़ ऑफ खम्बात में जब अटैक किया गया कैम्बे नाम के शहर पर जब अटैक किया गया तो यहाँ पर इन्हें एक स्लेव मिला जिसका नाम था मलिक कफूर और ये इतना जबरदस्त स्लेव था इसकी इतनी तारीफें थी कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी जनरल्स ने इसे एक हज़ार दिनार देकर खरीदा था विच वॉज अ वेरी हाई प्राइस बहुत महंगे भाव में ये गुलाम खरीदा गया तो मलिक कफूर इसका नाम था इन आर्मी जनरल्स ने सोचा कि मलिक कफूर को तोहफे के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को देंगे बड़ा खुश होगा खिलजी और ऐसा ही होता है लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये हमारी जॉब खा जाएगा ठीक है क्योंकि मलिक कफूर एक नॉर्मल स्लेव नहीं था ही वॉज अ वेरी वेल ट्रेंड स्लेव ही वॉज अ गुड सोल्जर और अगले दस साल के अंदर ये अलाउद्दीन खिलजी की आर्मीज़ को लीड करना शुरू कर देगा गुजरात को जीतने के बाद जब ये आर्मीज दिल्ली की तरफ लौट रही थी तो रस्ते में इन्होंने रणथम्बोर पर भी हमला किया रणथम्बोर में उस वक्त रूलर थे हमीर देव चौहान हमीर देव चौहान वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर याद करो मैंने बताया था कि वो जो अजमेर की चौहान डायनेस्टी थी उनमें से ही एक ब्रांच निकलकर रणथंबोर पर जाकर रूल करना स्टार्ट कर देती है ये वही रणथंबोर है जहां आज नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व है तो रणथंबोर का किला बहुत ही पावरफुल और शानदार किला है तो हमीर देव चौहान यहाँ पर रूलर हैं तो ये आर्मी से क्यों टकराते हैं तो इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग कहानी है यलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी लौट कर आ रही थी गुजरात कैंपेन से इसमें मंगोल सोल्जर्स भी थे कई सारे मंगोल यहां पर आकर भी इनके आर्मी में काम करने लग गए थे तो इन मंगोल सोल्जर्स और इनके जो लीडर थे दो तीन मंगोल नोबल्स थे जो मंगोल डिसेंट के थे इन्होंने बगावत कर दी क्योंकि इन्हें लगा कि हमें सैनिकों ने बराबर हिस्सा नहीं दिया जो लूट के माल लाया जाता है वॉर लूट होती है वो सब में बराबर बटती है तो इनको लगा कि हमें नहीं बांटा गया ढंग से हमें नहीं दिया गया तो इन्होंने बगावत कर दी और मंगोल सोल्जर्स को तो मार दिया लेकिन इनके जो दो लीडर्स थे वो जाकर रणथम्बोर के किले में छुप गए उन्होंने जाकर हमीर देव से शरण मांगी कि सर हम आपके पड़ोसी अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ काम करते थे लेकिन ये लोग तो हमें बराबर ट्रीट नहीं करते आप हमें शरण दे दो इस तरह से हमीर देव ने इन्हें शरण दे दी अलाउद्दीन खिलजी को इस पर काफी गुस्सा आया खिलजी ने हमीर देव चौहान को चिट्ठी लिखी कि या तो आप उन्हें मार दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर ये दोनों को मार दो ये या फिर इनको निकाल दो अपने किले से बाहर वरना हम हमला करेंगे हमीर देव ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास शरण मांगने आया है उसको मैं अपने घर में तो कभी मार नहीं सकता और ना ही मैं इन्हें तुम्हारे हवाले हवाले कर रहा हूँ या तो इनको जाने दो फ्रीली वरना यहाँ पर रह रहे हैं सेफ एंड सिक्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है अलाउद्दीन को पता था कि ये सेफ़ एंड सिक्योर तो रहने वाला नहीं है कभी ना कभी हमीर देव इनके साथ मिलकर हमला करेंगे तो कुछ मंगोल सोल्जर्स थे कुछ इनके दरबारी नोबल्स जो थे लीडर वो भी थे तो अलाउद्दीन ने इन पर हमला करने के मकसद से रणथम्बोर पर अटैक किया लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो फर्स्ट आर्मी भेजी गई थी वो यहाँ पर हार जाती है सो दैट आर्मी वॉज रिपल्स्ड विथ लॉसेस बाय हमीर देव इससे नाराज होकर अलाउद्दीन खुद आर्मी लेकर यहां पर पहुंचते हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने तीन महीने रणथंबोर के किले के बाहर डेरा डाले रखा देर वॉज अ लॉन्ग सीज सीज क्या होता है जब आप किले को घेर कर बैठते हैं तीन महीने तक अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी यहां पर सीज करके रणथंबोर के बाहर बैठी रहती है तीन महीने के बाद अल्टीमेटली रणथम्बोर के किले को अलाउद्दीन ने जीत तो लिया लेकिन ये लड़ाई इतिहास में हमेशा अमर हो जाती है बिकॉज ऑफ द शाका एंड जौहर देखिए शाका का मतलब ये होता है जब पुरुष उनको पता है कि लड़ाई में हम जीत नहीं सकते देन वी हैव टू फाइट टिल वी डाई जब तक हम मर नहीं जाते हमें लड़ाई लड़नी है जीतने का कोई स्कोप नहीं है तो वो सर पर केसरिया साफा बांध कर लड़ाई लड़ने उतरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब जिंदा वापस नहीं आना है और अपने परिवार को टाटा बाय बाय बोल के वो निकलते हैं गुड़ बाय कहकर निकलते हैं और जो भी महिलाएं हैं वो जौहर कर लेती हैं जौहर का मतलब ये है कि आप अपने आप को आग की ज्वाला में जला देते हैं ठीक है तो दिस इज नॉट सुसाइड बाय द वे बहुत एक मिसकसेंशन रहता है कि एक तरह का सुसाइड है तो ये जौहर अन फॉरसीन सर्कमस्टांसिस में किया जाता है जब आपको पता है कि अगर जिंदा बच गए और आर्मी आपकी हार जाएगी पुरुष हार जाएंगे तो शहर पर हमला होगा या तो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होगा और दूसरा या आपको स्लेव बनाया जा सकता है सो बेस्ट केस सिनेरियो है कि आप गुलाम बन बना दिए जाएंगे और वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आपके साथ कुछ भी करके आपको मार दिया जाएगा ऐसे हालात में जौहर किया जाता है तो एक एक क्वेश्चन था मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये शाखा जौहर अचानक से क्यों स्टार्ट हो गया इसका एक बहुत बड़ा रीजन है मंगोल्स देखो मंगोल्स ने थर्टीन सेंचुरी में बहुत बुरी तरह से शहरों को बर्बाद किया था मतलब मंगोल सिर्फ हमला नहीं करते थे वो टोटल वॉर करते थे टोटल वॉर समझते हो ना जैसे वर्ल्ड वॉर वॉज टोटल वॉर युद्ध केवल सेना नहीं लड़ रही है पूरा देश सेना लड़ पूरी दे, पूरा देश उस लड़ाई में झोंक दिया गया है अगर किसी शहर पर हमला होगा तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर नहीं बल्कि सिविलियंस पर भी हमला होगा तो इसे कहते हैं टोटल वॉर तो मंगोल्स ने ये टोटल वॉर की परंपरा शुरू करी थी इसके पहले क्या होता था कि आर्मी आर्मी आपस में लड़ रही है जो हारा जो जीता वो सेटल हो गया जाकर शहरों में लूटपाट जनरली कोई मचाता नहीं था सो इट वॉज वेरी डिसेंट उस मामले में कि आर्मी आर्मी आपस में टकरा रही है मंगोल्स ने इस परंपरा को पूरा साइड में कर दिया मंगोल ने बोला कि तुम हमसे लड़ रहे हो इसका मतलब तुम्हारे घर का तुम्हारे शहर का बच्चा औरत पुरुष बूढ़ा आदमी कोई भी हो हमारे सामने हम तो सबको मारेंगे या सबको गुलाम बना लेंगे सो so, या तो आप हमारी बात मान लो जैसे मंगोल जाते ही सबसे पहले हर सिटी को एक पीस ऑफरिंग देते थे कि आप हमारी सामने सर झुका लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बस हमें साल में इतना इतना टैक्स चाहिए एंड वी विल गो अवे दैट्स इट लेकिन जो नहीं मानता था फिर वो उस पूरे शहर को तबाह कर देते थे तो मंगोल्स ने जब थर्टीन सेंचुरी में ये शुरू किया तो प्रॉबेबली दिस इज अ रिएक्शन टू दैट तो वो ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं यहां पर भी तुर्किक या मंगोल ट्रेडिशंस के साथ यहाँ भारत में भी आता है तो अब उससे बचने के लिए यही तरीका था कि शाखा और जौहर किया जाए ठीक है तो राजस्थान के इतिहास में कई और शा शाखा और जौहर होंगे उनमें सबसे प्रोमिनेंट रणथंबोर जालोर जैसलमेर और चित्तौड़ के हैं सारे यूपीएससी नहीं पूछती है राजस्थान स्टेट पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आप उनको पढ़िए यूपीएससी केवल रणथंबोर और चित्तौड़ के बारे में आपसे पूछेगी सो यू नीड टू नो अबाउट दीस तो हमीर देव चौहान वॉज द रूलर ठीक है और यहाँ पर शाखा और जौहर होता है रणथंबोर इसके बाद कंट्रोल में आ जाता है दिल्ली सल्तनत के अब रणथम्बोर को जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत के सामने एक ही बड़ा चैलेंज है गुजरात और मालवा जाने का रास्ता यहां मेवाड़ होकर जाता है मेवाड़ अभी भी इनके कंट्रोल में नहीं था पहले भी ये जब गुजरात पर अटैक करते हैं तो घूम कर जाना पड़ा है और मेवाड़ जब तक बीच में है तब तक ये रूट कभी सिक्योर नहीं हो सकता कभी भी मेवाड़ हम पर हमला कर सकता है इनको ये भी डर था प्लस ट्रेड रूट आर नेवर सिक्योर तो अगला टारगेट अलाउद्दीन खिलजी का रहेगा चित्तौड़ दैट इज द कैपिटल ऑफ मेवाड़ और मेवाड़ में रूलर कौन है राणा रतन सिंह तो रतन सिंह के ऊपर जब हमला किया गया तो चित्तौड़ का किला बहुत ही मजबूत है उस पर अटैक करना इतना आसान नहीं है यहाँ पर छः महीने की लंबी सीज चलती है ऑलमोस्ट छः महीने की सीज के बाद फाइनली यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सारी किवदंतियाँ हैं एक्चुअली एक किताब थी मलक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी सिक्सटीन सेंचुरी में पदमावत नाम की एक किताब है इट्स अ लॉन्ग पोयम एक्चुअली और उसमें ये बताया जाता है कि राव रतन सिंह की रावल रतन सिंह की जो वाइफ थी रानी पद्मिनी उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर या उनके सौंदर्य की कहानियां सुनकर अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर हमला करने आया था लेकिन ये कहानी हिस्टोरियंस बिल्कुल भी नहीं मानते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से एक किताब में लिखी गई मनगढ़ंत कहानी थी इट वॉज डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉलीवुड फिल्में बनाता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स ठीक है उसमें सच्चाई होती है बीस प्रतिशत तो और एट्टी परसेंट उसमें मसाला होता है तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये भी एक ऐसी कविता लिख रहे थे जो फैंटेसी थी यू कैन से दैट इट इज समथिंग लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हैरी पॉटर की जैसे किताबें हैं ये फैंटेसी किताबें हैं राइट तो जायसी भी उसी जॉनरा में लिखते थे तो जायसी भी एक तरह से फैंटेसी किताब लिख रहे हैं क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे पद्मावत तो इसमें एक तोता है जो बोल रहा है अब जानवर वगैरह थोड़ी ना बात करते हैं श्रीलंका में शादी हो रखी है रानी रानी पद्मावती श्रीलंका से थी तो श्रीलंका तक शादी करने के लिए कोई जा ही नहीं सकता भाई साहब जाने में एक साल लग जाएगा इतना लंबा ट्रैवल कोई नहीं कर सकता था तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि द रीज़न वॉज बेसिकली टू कनेक्ट टू गुजरात एंड मालवा और सिक्योर करने के लिए दिल्ली सल्तनत को सिक्योर करने के लिए मेवाड़ को हराना बहुत जरूरी था ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन एंड ड्यू टू जियो पॉलिटिकल रीजन तो इसीलिए हमला किया गया था नॉट बिकॉज ऑफ सम वन क्वीन तो एक महिला के पीछे इतनी आर्मी लेकर अलाउद्दीन खिलजी नहीं आया था बस मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं डेफिनेटली राजा की वाइफ जो थी उनका नाम रानी पदमावती था और इन्हीं रानी पद्मावती के नेतृत्व में यहां पर महिलाओं ने जौहर भी किया था पर उसके पीछे रीजंस जो थे वो पूरी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ हिस्टोरिकली गलत हैं जो आप हाँ लोग फिल्मों वगैरह में देखते हैं द रियल रीजन वॉज दिस वन द इकोनॉमिक एंड जियो रीज़न अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी कई महीनों तक चित्तौड़ को घेर कर बैठी रहती है और फाइनली जब चित्तौड़ के लोगों को ये पता चल गया कि अब हमारे पास ना तो कुछ खाने पीने का सामान है और कोई मदद के लिए आने को तैयार नहीं है इनकी कोई नेटो एलाइज नहीं थे जो इन्हें सप्लाई कर लें जैसे आज यूक्रेन को कंटिन्यूसली हथियारों की सप्लाई करी जा रही है इसीलिए यूक्रेन लड़ पा रहा है बाय द वे ठीक है वो और वो लेक्चर में बनाऊंगा कि वो यूक्रेन क्यों जीत रहा है मतलब रशिया क्यों जीत नहीं पाया है इस पर लेक्चर मुझे बनाना है वो कल आएगा ओके तो देखिए यहाँ पर चित्तौड़ हार जाता है शाका और जौहर होता है सारे पुरुष लड़ने आते हैं केसरिया साफा बांध कर कि अब तो वी हैव टू फाइट टिल डेथ और यही होता है चित्तौड़ इन्हें मिल जाता है लेकिन चित्तौड़ खाली मिला था अलाउद्दीन खिलजी को उसमें कुछ नहीं मिलता है कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात उसे कुछ नहीं मिले थे जिन लोगों को निकालना था बच्चों को वगैरह को पहले ही टनल्स के माध्यम से निकाला जा चुका था लेकिन हाँ मेवाड़ इनके कंट्रोल में आ गया और अगले कई सालों तक मेवाड़ इनके कंट्रोल में रहता है लेकिन तीस साल बाद यहाँ पर तीस चालीस साल बाद फिर से इसी मेवाड़ डायनेस्टी में एक अलग ब्रांच थी वो चित्तौड़ को अपने कंट्रोल में ले लेगी ठीक है तो उसके बारे में पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया था याद करो राजपूत एज के समय मैंने आपको नाम भी बताया था कमेंट में बताइए कि वो कौन सा राजा था जिसने फिर से इस मेवाड़ में अपनी रूलिंग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया सिसोदिया डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने वाले कौन थे आप मेरे को नाम बताएंगे कमेंट में तो थर्टीन जीरो थ्री में मेवाड़ फाइनली हार जाता है खिलजी डायनेस्टी के, के कंट्रोल में आ जाता है और उसके बाद पूरे राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट शहर हैं उन सब पर हमला करा जाता है अपनी आर्मीज भेजते हैं अलाउद्दीन पर्सनली नहीं जाते हैं लेकिन अपनी आर्मीज भेजकर अजमेर नागौर जैसे हर शहर को अपने कंट्रोल में लाकर यहाँ पर अपने गैरिसन स्थापित कर दिए जाते हैं अब कई एरियाज में अलाउद्दीन खिलजी की ये पॉलिसी थी कि लोकल राजाओं को बने रहने दो अगर कोई छोटा राजा है तो उसको वहां पर रूल करने दो लेकिन राजस्थान के कई एरियाज में ये पॉलिसी फॉलो नहीं करी गई जैसे कि रणथम्बोर मेवाड़ यहाँ पर नहीं करी गई क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल रूलर्स थे बट छोटे छोटे जो एरियाज हैं वहाँ पर लोकल रूलर्स को एग्जिस्ट करने दिया गया और उन्हें अपने कंट्रोल में ले आए तो ये तो थे अलाउद्दीन खिलजी के नॉर्दर्न कॉन्क्वेस्ट्स और अब अगले लेक्चर में मैं आपको इनके सदन कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताऊंगा और फिर हम कुछ रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो जो मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह थे उनको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इस वक्त मेरा एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर लाइव सुबह आठ बजे इसकी क्लास होती है यू कैन ज्वाइन दिस क्लास हमारे टेस्ट सीरीज को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लास्ट माइल प्रोग्राम इज फॉर इंटरव्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है इसमें जरूर जो हिस्सा लें इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा दिल्ली में अन का ऑफलाइन एक्सपीरियंस सेंटर इज ओपन यू कैन गो एंड चेक इट आउट थैंक यू वेरी मच हैव हाँ अ ग्रेट डे